तुम्हें क्या लगता है डेडपूल एक अकेला ऐसा कैरेक्टर है जो फोर्थ वॉल ब्रेक कर सकता है? तो मेरे पास अच्छी लिस्ट पड़ी है ऐसे लोगों की जो फोर्थ वॉल ब्रेक कर चुके हैं कॉमिक्स में और मूवीज में भी। शुरू करते हैं नंबर फोर से, रीड रिचर्ड्स। 1961 में जब फैंटास्टिक फोर की कॉमिक रिलीज हुई थी तब उसमें स्टेनली सर ने एक ऐसा सेगमेंट रखा था जहां पर सारे फैंटास्टिक्स फैंस के भेजे हुए लेटर पर रिएक्ट करते हैं, और ये याद रखना कि ये सारे फैन लेटर्स रियल लाइफ में लोगों ने भेजे थे। नंबर थ्री, शी हल्क। कहते हैं कि ब्रूस बैनर के कंपैरिजन में शी हल्क अपने पावर्स को ज्यादा कंट्रोल में रख सकती है, पर क्या हो जब शी हल्क अपने ह्यूमन फॉर्म में आ ही ना पाए। यही देखने को मिला था हमें शी हल्क के इशू नंबर 9 में, जब उसने गुस्से में आकर कॉमिक का एक्चुअल पैनल फाड़ दिया था और फिर बाद में उसने कॉमिक एडिटर से झगड़ा किया कि उसको उसे की कॉमिक में अच्छे से ड्रॉ किया जाए। नंबर टू, बेबी ग्रूट। गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 के ओपनिंग सीन में जब आप फाइट सीन देखते हो जहां ग्रूट अकेला डांस कर रहा होता है, तो वहां पर एक सीक्वेंस ऐसा आता है जहां पर ग्रूट एक एनिमल से गिरकर कैमरा पे आके टकराता है। लेट्स सी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे किंग लोकी। जितना क्रेडिट हम डेडपूल को उसके फोर्थ वॉल ब्रेकिंग स्किल्स के देते हैं, उतना शायद ही हमने कभी लोकी को दिया हो, क्योंकि हमें कभी भी मूवीज और सीरीज में ऐसा दिखाया ही नहीं गया। लेकिन कॉमिक्स में लोकी ने कई बार फोर्थ वॉल ब्रेक किया है।